हेलो फ्रेंड्स, आज लेसन रे मु आपण मानको स्वागत करुची विकास एकेडमी तरफ रु। आज आम जोनल काउंसिल विषय पढ़ा। ये जोनल काउंसिल कौन? देखो, जोनल काउंसिल हूँ स्टैट्यूटरी बॉडीज जोटा कि पार्लियामेंट रा एक्ट द्वारा एस्टैब्लिश होता है। प्रथम जाना दरकार, जोनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नुहे, संविधान रे मेंशन कराही। ये जोनल काउंसिल केमिते एस्टैब्लिश होई छि, सेटा पार्लियामेंट रा एक्ट द्वारा जोटा अच्छे हमर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जो अच्छी ता अंडर रे जोनल काउंसिल एस्टैब्लिश होई छि। ये जोनल काउंसिल रो जो एक्ट हेतला, से कंट्री को आम देश भारत को पांचटा जोन रे डिवाइड करी छि, जेपर कि नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, आ गोटे होची सदर्न। ठीक अच्छे, पांचटा जिनस मन रखे। जोनल काउंसिल केतटा अच्छे? पांचटा अच्छे, पर आम जानवा छटा अच्छे बोली, कि बर्तमान जानतु पांचटी अच्छे। ये जोनल काउंसिल जो तैयारी करा जाए, फॉर्मेशन हुए, से केते गुड़े फैक्टर को मध्य माइंड रखा जाए, जमी माने नेचुरल डिविजन आम देश कमिपर, रिवर सिस्टम, कम्युनिकेशन व्यवस्था केमती अच्छी, कल्चर, संस्कृति, भाषा, वैशिष्ट्य, एक सब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कौन हम, एक सब लक्ष्य करी एक डिवाइड कराई थाए बा विभक्त कराई थाए। तो जोनल काउंसिल केतटा अच्छी? पांचटा अच्छे, कि वास्तव में पर आम जानवा छटी अच्छे। तबे से जहा हो, जोनल काउंसिल संविधान रे नाही। जोनल काउंसिल होची स्टैट्यूटरी बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज माने होची जहा कि पार्लियामेंट रो एक्ट द्वारा बना है था। ठीक अच्छे, एती कथा प्रथमे मन रखंतु। ये जो जोनल काउंसिल अच्छी तार किए किए मेंबर रहिबे वर्तमान जानिबा। देखंतु, जोनल काउंसिल रे होम मिनिस्टर जे अछन सेंट्रल गवर्नमेंट से मेंबर रहिबे, आ चीफ मिनिस्टर सब ऑल स्टेट्स माने से जो जोन अछि तो तार चीफ मिनिस्टर रहिबे, आउ किए रहिबे माने आउ दुई जन मध्य स्टेट रो से जो स्टेट आसीबो तार मिनिस्टर रहिबे, आउ एडमिनिस्ट्रेटर जो रहिबे यूनियन टेरिटरी बा केंद्र शासित अंचल से मध्य सेथरे रहिबे। एटा भलो भाबर मन रखंतु, केउ माने मेंबर हबे। प्रथम कथा मन रखियो, होम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट रो, तापर चीफ मिनिस्टर जतक स्टेट से जोनल काउंसिल आसीबे, तापर दुई जन मिनिस्टर रहिबे से स्टेट रु जो जो स्टेट से काउंसिल आसीबो, आउ केंद्र शासित अंचल बा यूनियन टेरिटरी मध्य जणे रहिबो। ठीक अछि, ता बाद किछि लोक जोनल काउंसिल सहित एसोसिएट रहिबे, जो माने एडवाइजर बा उपदेष्टा भाबरे काम करिवे, तो तांकु किए नोमिनेट करिवो? प्लानिंग कमिशन नोमिनेट करिवो, बा चीफ सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट रे अछन स्टेट रे से मध्य नोमिनेट करि परिबे। आ गोटे कथा होची, डेवलपमेंट कमिशनर जो प्रत्येक स्टेट रे अछन सेमान मध्य सेठी मेंबर हो पारे, जो मैंने एडवाइजर उपर काम करेंगे, उपदेश दे पारे। आ गोटे कथा हूँ, जो होम मिनिस्टर अच्छे सेंट्रल गवर्नमेंट रो, सी कॉमन चेयरमैन रहिबे पांचटा जो जोन अच्छे, पांचटा जो जोनल काउंसिल अच्छी तार कॉमन चेयरमैन किए रहिबे? आमर होम मिनिस्टर। आ जे चीफ मिनिस्टर रहिबो सी रहिबे वाइस चेयरमैन। एती कथा मन रखिबे, आ तांकर ऑफिस टर्म होची गोटे वर्ष, टर्मटा मन रखिबे गोटे वर्ष। ठीक अच्छे, ये जोनल काउंसिल रो एम ऑब्जेक्टिव कौन, तार लक्ष्य कौन, तार पर्पोज कौन, तार ऑब्जेक्टिव कौन? देखते, जोनल काउंसिल ऑब्जेक्टिव हूँ गोटे इमोशनल इंटीग्रेशन गोटे देश रे आने दरकार, तापर काम करिवो। तापर जो आमर स्टेट रे जो आमर रीजनलिज्म, लिंग्विजम, ये सब को कंट्रोल करिवो बा ताकु मैनेज करिवो। तापर जो स्टेट स्टेट भीतर कोऑपरेशन बढ़ेबो, आइडियाज एक्सचेंज करेबो, ये सब कथा पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करिवो, होमोजेनिटी एस्टैब्लिश करिवो, ये होची कहार काम? जोनल काउंसिल। ठीक अच्छे, बर्तमान आम जानिबा पांचटा जोनल काउंसिल जो थिला, ता बाद आउ गोटे जोनल काउंसिल क्रिएट हला जार ना होची नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जोटा सेटा 1971 मसीह रे क्रिएट करागला, जहा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो आम आसाम अच्छी, मणिपुर, मिजोराम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, यही सब स्टेट मानकर काउंसिल गोटे बनागला 1971 मसीह रे। से आक्टर ना थिला नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल आक्ट 1971। एती कथा आपण मन रखियो। तो मु आरंभ रु आपण मानु कहतली जे जोनल काउंसिल केतोटी अछि? पांचटी अछि। बर्तमान केतोटी हला? छटी हला। छ नंबरटा कौन? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो आपणकर मणिपुर, आसाम, मिजोराम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एवं सिक्किम पाई कराला। ठीक अच्छे, तो ये कथा मन रखिबे। आउ मु बर्तमान आपन गोटे कथा कहूँ,
ଏହାର ସବୁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି କହି ରଖୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଛି, ଜୋନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍, ତା'ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି କେଉଁଠି, ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ। ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟରେ ଓବିଏସ୍ଲି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆସିବ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଏସବୁ ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଜୋନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍, ଯାହାକି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି, ଆହ୍ଲାବାଦ। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ କୋଲକାତାରେ ଅଛି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛି, ଏବଂ ସଦର୍ଣ୍ଣ ଜୋନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛି, ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଜୋନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଏସବୁ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟରେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତା'ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଆହ୍ଲାବାଦ। ତୃତୀୟରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସିବେ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଓଡ଼ିଶା, ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି, ଆପଣଙ୍କର କୋଲକାତା। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସିବେ, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଆ, ଦାଦ୍ରା ନଗର ହାବେଳି, ଡାମନ୍ ଡିଉ, ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ। ସଦର୍ଣ୍ଣ ଜୋନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଚେନ୍ନାଇ, ଏବଂ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସିବେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କେରଳା ଏବଂ ପୁଦୁଚେରୀ। ତ ଏତିକି କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜୋନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ଆରାମସେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏକୁ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଉ କିଛି ବି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ୱିଶ୍ ୟୁ ହାପି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।